वालेकुम, मैं हूं बज़ैद। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं इन्वेंटिव प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 5.2 किलोवाट सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन और सेटअप। इसमें जो टोटल सामान है वो इन्वेरक्स कंपनी का यूज़ हुआ है। ये 5.2 किलोवाट एरोक्स का इन्वर्टर लगाया हुआ है। ये सबसे लेटेस्ट इन्वर्टर है और ये साथ ब्रेकर बॉक्स में लगा हुआ है, जिससे आप के इलेक्ट्रिक और सोलर की पावर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ चैनल पट्टी का फ्लेक्सिबल यूज हुआ है। इधर से वायरिंग नीचे बैटरियों के लिए जा रही है। ये चार बैटरियां लगाई हुई हैं एनवेरेक्स कंपनी की, 185 एम्पीयर 12 वोल्टेज की। इस हिसाब से टोटल 48 वोल्टेज बन जाते हैं। इसका जो बैकअप है वो 8 से 10 घंटे है। इसकी आउटपुट बेहतरीन है, 1 ईयर वारंटी है। ये देखें फ्लेक्सिबल चैनल पट्टी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट। अभी 3 बजे का टाइम है और ये 3.52 किलोवाट निकाल रहा है, और इस पे जो आउटपुट है, इस पे जो लोड है वो है 3.30 किलोवाट। अभी जो घर का सारा सामान है वो सोलर पे चल रहा है, जिसमें 2 AC, 1 डिस्पेंसर, 1 फ्रिज, 2 फैन और कुछ लाइटें चल रही हैं। दोस्तों, इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि ये 5000 वाट तक की प्लेटर को सपोर्ट करता है। इससे पहले जो इन्वर्टर था वो 4000 वाट तक सपोर्ट करता था। ये लेटेस्ट इन्वर्टर है और इसका काम बड़ा सफाई से हुआ है। चैनल पट्टी, फ्लेक्सिबल PVC यूज हुआ है। ट्रेन के बारे में नजर नहीं आ रही। आपको दिखाता हूँ बाहर की वायरिंग। ये देखिए इधर वायरिंग लीन हो रही है PVC, और ये ऊपर 16 प्लेटें लगी हुई है 325 वॉट की इनवर्टर कंपनी की, और ये इधर से PVC नीचे टर्न हो रहा है, इधर से नीचे जा रहा है। ये क्लिप हुए रूट हो के वायरिंग जा रही है। वाइट PVC यूज हुआ है ताकि वायरिंग नजर ना आए कहीं से भी। ये साइट हमने शमसी सोसाइटी नियर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में की है। कहीं से भी वायरिंग नजर नहीं आ रही, बड़ा सफाई से काम हुआ है। तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर से नीचे जा रही है, इधर से फ्लेक्सिबल डाल के वायरिंग नीचे फ्लोर पे जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।